अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शाहजी एयरगन की जानिब से एक और गपशप के साथ मैं सैयद अमीर हुसैन शाह से मुखातिब हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे पास मेरे मेहमान बड़े दूर से तशरीफ लाए हुए हैं, उनका तारुफ कराते हैं तो उनका काम भी देखते हैं किस तरह उन्होंने यहाँ चूज़ किया, कैसे तशरीफ लाए। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, आपका पूरा नाम? मेरा नाम राना वसीम अहमद। राना वसीम अहमद, तो आपके पास एक गाना, आप कैसे तशरीफ लाए पहले ये बताएं आप कैसे? सबसे पहले तो ये है कि तकरीबन मैं इस गान को इस्तेमाल करता रहा हूँ, ठीक है, तो फिर ये किसी वजह से किसी दोस्त के साथ वो इस्तेमाल करता है तो ये ख़राब हो गई है। इसका स्टॉपर वगैरह उसने तोड़ दिया था, फिर हमने उसने बल्कि कोशिश की है इसको रिपेयर वगैरह करवाने की, लेकिन नहीं हुई, वो अगली हालत से भी जाती रही। फिर मैंने इसको ऐसे ही एक साइड पर रख दिया था, फिर यूं ही कचरे में पड़ी रही है। फिर काफ़ी टाइम के बाद तकरीबन मैंने आपका क्लिप देखा यूट्यूब के ऊपर, था ठीक, एक साल पुराना क्लिप था और वो था भी इसी चीज़ के बारे में, आप यानी गेमों का उसमें पूरा मुकम्मल काम कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने आपका नंबर नोट किया है, फिर अगले ही दिन मैंने आपके साथ रब्ता किया है और आपसे सारी डिटेल ली है इस चीज़ के बारे में। जिशान भाई के नाम से भेज दिया, जिशान भाई के नाम से भेज दिया फिर मैंने। तो भाई जान आपका तारुफ, आपका नाम? मेरा नाम मेहताब अंजम राणा है, मैं जिला बक्खर से ही हूँ, लेकिन भाई ने मुझे बताया कि इधर एयर गन की सेटिंग होती है, क्योंकि पूरे पिंडी में नहीं होती, लेकिन इधर माशाल्लाह बक्कर में आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपसे जब रहा गया तो आपने क्या बताया था? मैंने यही कहा कि चिराग तले अंधेरा हो गया, ये तो क्या हमें बक्कर में रहते हुए नहीं पता, और बाइक ने पिंडी से रब्ता कर ली। सेम इसी तरह एक दोस्त है, वो उनका इधर कोई रिश्तेदारी है बेहल में ही, मेरे गांव मेरे शहर में ही उनकी रिश्तेदारी है, और उन्होंने उनकी गन थी कोई 8-10 साल से ऑफ नेट पड़ी थी, वो यानी आउट ऑफ ऑर्डर हुई थी, तो उसने उधर से रब्ता किया अपने घर वालों के साथ कि यार बेहल चले जाओ वहाँ, ये मैंने शाहजी को देखा है BSA ठीक कर रहे हैं वो, तो वो उधर से आई है। इस चीज़ की आस उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये दोबारा रिपेयर भी हो सकती है या हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो दोबारा जब मैंने आपका क्लिप देखा है तो वो सोए हुए जो अरमान होते हैं वो दोबारा से जाग गए कि यार इसको रिपेयर किया जाए, इंशाल्लाह हो जाएगी और बेस्ट हो जाएगी। शाहजी ये वाली गन भैया उठाना, बाकी मैं आया इस वजह से हूँ कि आप इस वो अलग से ये सामने खड़ी है ए डब्बे में अभी तक डब ए साथ आपके बिल्कुल राणा साहब की गन खड़ी है ये वाली, वो निकल के नीचे से खोला था उसको एक दफा देखा था बेटे ने, तो ये अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है, देखते हैं अभी करेंगे। मैं अभी जाऊंगा, ठीक है, तो ये उन्होंने देखा है इसकी अल्ट्रेशन करते रहे, वेल्डिंग शेल्डिंग सारा कुछ जो कुछ उन्होंने किया है, कोई बात नहीं, सेट हो जाएगी इंशाल्लाह और मैं इसको बेहतरीन तरीके से ओरिजिनल तरीके से तैयार कर दूंगा, कमी बेशी इसकी दूर करूंगा इंशाल्लाह। ये जब आप वापसी पर आएंगे ना फिर आप देख लेना कि ये किस तरह होती है इंशाल्लाह, ये बिल्कुल न्यू होगी। बीच में माइक्रोस्कोप भी थी, वो भी आपने उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर इसी के अंदर गुलाम बस देखो देखो होगी बीच में, ये वो मैंने साइड पे लगाई हुई थी देख ले चिपकी हुई है कहीं नीचे नीचे इधर दिखाएं निकाल कर तो नहीं रखी है बेटा कहीं, पहले जब खोली थी उसके साथ तो नहीं थी, वो वीडियो देख लें। उस वीडियो में देख लेंगे होगी इंशाल्लाह, वो पड़ी होगी पहले मैंने कहा था इस बच्चे को कि देख लें यार आई कौन कौन सी चीज़ें ताकि जवाब तो दे सके कि फलां फलां चीज़ पहुंच गई है, तो होगी उस वीडियो में, तो इंशाल्लाह हम इसको रिपेयर करेंगे, बेहतरीन रिपेयर करेंगे, इसका स्टॉपर भी ठीक करेंगे, इसके तमाम तर जहाँ भी कमी बेशी होगी सब कुछ फिट हो जाएगा इंशाल्लाह, बेस्ट हो जाएगा। स्प्रिंग वगैरह भी एंड है इसके, बहरहाल इसको मोटा मोटा देख लें अभी, अगर वो ना छेड़ते ना ना छेड़ते तो मजा होता, क्योंकि वो अनाड़ी का जो होता है ना रोला बना हुआ वो फिर सीधा करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो कोशिश करूंगा न्यू हो जाएगी इंशाल्लाह। स्कोप लगाएंगे आप? स्कोप लगा लेना बेशक, वो देखेंगे वीडियोस में देखेंगे होगी। ये पैक आपने खुद की थी, स्कोप ही रखी थी? होगी 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 फिर वो तो, बल्कि मैंने जब पैक किया तो मैंने शाहजी को मैसेज भी किया था कि ये बीच में स्कोप भी है। जी बिल्कुल होगी, तो इसको हम निकाल के देख लेते हैं एक नजर।
इस तरह ऐसे निकाल दिया, क्योंकि स्प्रिंग मुझे पता था एंड हुआ हुआ है, इतना स्प्रिंग होता है इसका कोई नहीं, नहीं भाई इसका जनरल स्प्रिंग बहुत बड़ा और अच्छा स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग ये तोड़ कर उन्होंने पीस, हाँ टूटा था, है जेन्युइन ही, और ये टूटा जब है तो इसका एक हिस्सा उन्होंने आगे, वो वाला स्प्रिंग के आगे वाला हिस्सा भी नहीं है इसका, गुलाम बस स्प्रिंग के आगे जो वो लगता है होल्डर टाइप, हाँ है बीच में है टुकड़ा भी है और फंसा हुआ है उस टुकड़े के साथ, ये देखें ये स्प्रिंग के कई हिस्से हुए हुए हैं, और फिर उसको वेल्ड कराते रहे स्प्रिंग को, ठीक है। और ये इसका ओरिजिनल पार्ट है जो जरूरत होता है, बस कुछ जगह ऐसी होती है जहां से बंदा कुछ कह भी नहीं सकता है। बिल्कुल सच्ची बात है, सील बिल्कुल खत्म है, ना होने के बराबर है सील, इसकी जेन्युइन डालेंगे इंशाल्लाह, ओरिजिनल डालेंगे इंशाल्लाह, और इसको साइट ही लगाना पड़ेगी, क्योंकि यूके नाम है अपना स्कोप, इसकी साइट वाला हिस्सा ये टूटा हुआ है, स्कोप लगाएंगे इसकी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, इसको ठीक करके फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह।